कि मोहब्बत जाहिल भी होती है। आनंद से बहस प्रकार की, वहीं पर बलविंदर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दोनों के रील्स सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। एक तरफ नवनीत राणा, अकबरुद्दीन अवैसी और मोदी, अमित शाह, फडणवीस, असदुद्दीन अवैसी, वो महाराष्ट्र के 14वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के दिग्गज लीडरों में से वो एक थे। हमारा अक्ष चैनल नया है, इसे सपोर्ट कीजिए। आप सभी को मेरा आदाब। हमारे शहर हैदराबाद में एक वाकया पेश आया जहाँ पर बलविंदर सिंह नामी शख्स ने रेवंत आनंद नाम के शख्स की एक बेटी है 23 साल, उनसे मोहब्बत करता था। दोनों मोहब्बत में थे, लेकिन रेवंत आनंद को ये पसंद नहीं था कि दोनों मिले मोहब्बत में रहें। उन्होंने ताकीद की, दोनों को मना किया, लेकिन दोनों मिलते रहें। और इस कोशिश में नाकाम होने के बाद रेवंत आनंद ने क्या किया कि अपनी बेटी को अमेरिका भेज दिया। इस बात से नाराज होकर बलविंदर सिंह ने आनंद के घर पहुंचा और पहुँच के आनंद से बहस तकरार की। उसके बाद आनंद पर एयरगन से हमला कर दिया और आनंद की आंख को चोट पहुंच गई। फिलहाल आनंद अस्पताल में इलाज पा रहे हैं। वहीं पर बलविंदर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हमने सुना था कि मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन ये वाकया देखने के बाद मालूम हुआ कि मोहब्बत जाहिल भी होती है। अगर मोहब्बत की बात करें तो रितेश देशमुख और जेनेलिया को हम देख सकते हैं, जिन्होंने 2003 में तुझे मेरी कसम फिल्म में काम किया था दोनों ने मिलकर, और उसके बाद दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी। उनकी शादी के लिए उनके वालिद साहब, जो विलासराव देशमुख, रितेश के वालिद साहब, वो राज़ी नहीं थे, लेकिन बाद में राज़ी हो गए। उसके बाद दोनों की शादी हुई। 2012 में दोनों एक जोड़ा बने, शादी हुई उनकी और आज खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि आए दिन दोनों के रील्स सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। रितेश देशमुख की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है और 20 नवंबर को इलेक्शन है और वहाँ के हालात बहुत ही गरम है। एक तरफ नवनीत राणा, अकबरुद्दीन अवैसी और मोदी, अमित शाह, फडणवीस, असदुद्दीन अवैसी, कई लीडर्स वहाँ पर अपनी अपनी हाजिरी दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि रितेश देशमुख के वालिद विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के CM भी रह चुके हैं। वो महाराष्ट्र के 14वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के दिग्गज लीडरों में से वो एक थे। दरअसल 2012 में उनका इंतकाल हो गया। कि धर्म आना वाचवा, धर्म बचाओ, आओ आमचा धर्म आहे, आमचा धर्म प्रिय आहे। इतवार की शाम को लातूर में एक मीटिंग के दौरान, रैली के दौरान, रितेश ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि धर्म खतरे में है, मुमकिन है उनका इशारा BJP की तरफ है, उनसे कह दो कि धर्म की रक्षा हम कर लेंगे, बल्कि वो डेवलपमेंट की बात करें। तो ये बड़ा बयान, ये दमदार बयान रितेश ने दिया है। लातूर की सीट से उनके भाई धीरेज देशमुख लड़ रहे हैं और इस तरह कांग्रेस की पार्टी को सपोर्ट करते हुए वो अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल विलासराव देशमुख की सियासत को, रियासत को, विरासत को वो लोग आगे लेके जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि उनकी कामयाबी होगी उनको। हमारा अक्ष चैनल नया है, इसे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगा।